हेलो एवरीवन, इंडियन जीके के अंदर चालुक्य वंश स्टार्ट कर रहे हैं अपन। चालुक्य वंश को अपन सोलंकी वंश भी बोलते हैं। जो चालुक्य वंश होते हैं उनको क्या बोलते हैं? सोलंकी वंश भी बोलते हैं। ठीक है, सोलंकी वंश बोलो या चालुक्य वंश बोलो, बात एक ही है। ठीक है, मैंने आपको गुज्जर प्रतिहार के अंदर बताया था इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? आबू के पर्वत पर, जो अग्नि से उनकी उत्पत्ति हुई है। ऋषि वशिष्ठ के द्वारा इनकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, यानी उत्पत्ति अपन कह सकते हैं। उत्पत्ति कहाँ से हुई है? अग्नि से हुई है। ठीक है, कहाँ से हुई है? अग्नि से हुई है। तो अब देखो, इसमें सबसे पहले अपन देखते हैं कि कौन सा शासक था, यानी जो संस्थापक था वो कौन सा था। वो था मूलराज प्रथम। ठीक है, मूलराज प्रथम था। मूलराज कौन प्रथम था? यानी गुजरात, जो चालुक्य वंश जो बसे थे वो गुजरात के अंदर। ठीक है, जो चालुक्य वंश ने अपनी अपना शासक की स्थापना करी वो कहाँ करी? गुजरात के अंदर करी। ठीक है, यानी जो मूलराज प्रथम है वो पहला संस्थापक था गुजरात का, मतलब चालुक्य वंश का। कौन था? ये पहला संस्थापक था। ठीक है, यानी पहला संस्थापक था। इसने एक काम क्या कहा, इसने क्या आते ही क्या बनाई, जो अपना साम्राज्य का विस्तार करा वहां पर उसने क्या बनाई, अपनी क्या बनाई? राजधानी बनाई। राजधानी का नाम क्या है? अनहिल वार्ड। अनहिल, अनहिल वार्ड। ठीक है, अनहिल वार्ड, यानी गुजरात के अंदर एक जो जगह है वो अनहिल वार्ड है। यानी गुजरात राज्य में का संस्थापक कौन था? तो वो कह देते उस समय चालुक्य वंश का, तो वो कौन था? मूलराज प्रथम। क्योंकि पहले तो क्या होता, देश वगैरह चलते नहीं थे, सब अपना अपना राज्य बना रखा था। ठीक है ना, तो सब अपना राज्य बना रखा था। इसमें से जो राजधानी बनाई इन्होंने वो कौन सी बनाई है? अनहिल वार्ड। ठीक है, अपन समझ सकते हैं, इसको याद करें अपन तो देख सकते हैं। जहां पर जैसे ऐसे अग्नि स्टार्ट हो रहा है, ऐसे ही क्या हो रहा है? अनहिल वार्ड स्टार्ट हो रहा है। ठीक है ना, तो अग्नि से उत्पन्न हुआ तो ऐसे ही अनहिल वार्ड में इन्होंने क्या करा? राजधानी बना ली। ठीक है, हेलो, तो शासक था वो भीम प्रथम था। ठीक है ना, भीम प्रथम बड़ा बलवान शासक था। भीम प्रथम के बारे में आपने सुना होगा। भीम प्रथम के बारे में मैंने कुछ बताया था कि आबू पर्वत पर जो देलवाड़ा का मंदिर बना है, तो जो भीम प्रथम का शासन काल था वो 1022 से 1064। ठीक है, और अगर अपन जो मूलराज प्रथम का शासन देखे, मूलराज प्रथम का शासन देखे तो वो था 942 ईस्वी से। ठीक है ना, और वो किस जाति को मानता था? शैव जाति को मानता था, मतलब सॉरी शैव धर्म को मानता था। किस धर्म को मानता था? शैव धर्म को मानता था। ठीक है ना, और 942 ईस्वी में इसका शासन काल स्टार्ट हुआ था, और उसने राजधानी किसको बनाया? अनहिल वार्ड को राजधानी बनाया। ठीक है, तो पहला संस्थापक पर बलवान जो शासक था, बलवान जो शासक था वो भीम प्रथम था। ठीक है, देखो भीम प्रथम ने क्या करा, भीम प्रथम ने क्या करा, जो आबू पर्वत से, आबू पर्वत से जो परमाणु को शासक हो रखा, शासन हो रखा था आबू पर्वत से, किसको हराया? आबू पर्वत से परमार शासकों को हराया। परमार शासक को उन्होंने क्या करा? हराया, यानी अपना जो साम्राज्य का विस्तार कर दिया। यहाँ पर अपन को देखने को मिला इसने क्या करा, अपने साम्राज्य को विस्तार कर दिया। पर देखो इसका जो शासन काल है वो शासन काल देखो कहा 1022 से 1064 के बीच में है। इस समय आपको पता होगा कि महमूद गजनबी आया था इसके शासन काल के दौरान। क्या आया था? महमूद गजनबी। अब नेचुरल है, महमूद गजनबी हर जगह देखो लगभग सबसे युद्ध किया उसने। ठीक है, बड़ा बलवान शासक था। यानी ये भीम प्रथम तो बलवान था ही, पर उससे भी बढ़कर ये था। ठीक है ना, कई क्षेत्र इसने जीत रखे थे। ठीक है, महमूद गजनी, तो महमूद गजनी के बीच में 1025 यानी 1025 में क्या होता है? युद्ध होता है। ठीक है, युद्ध, महमूद गजनी का एक ही काम था कि वहां पर लूटपाट करना और
मतलब वहां की जगह को तहस नहस करना और युद्ध जीतना, एक ही था इसका। कोई साम्राज्य विस्तार तो रणनीति थी नहीं इसकी, अधिकतर यही था कि इसमें लूटपाट करना और लूटना। तो देखो महमूद गजनवी ने क्या करा था, महमूद गजनवी ने गुजरात में पहले तो भीम पतंग को हराया, और जो सोमनाथ का मंदिर है, जो फेमस मंदिर है सोमनाथ का मंदिर, सोमनाथ का मंदिर को क्या कर दिया उसने, तहस नहस कर दिया, तोड़ फोड़ कर दी, तहस नहस कर दिया, ठीक है। और उसमें वहां पर क्या लूटपाट मचा दी, यानी पूरा लूट लिया वहां पर, ठीक है ना। ये काम किया था इसने सोमनाथ मंदिर ने, ठीक है। तो नेचुरल है, अब भीम पतंग अपनी वापस शक्ति बढ़ाएगा बढ़ाएगा, और जो सोमनाथ मंदिर है जो तहस नहस कर दिया उसका क्या करेगा, पुनर्द्वार करेगा, ठीक है ना। यानी उसने जो तहस नहस किया था, तो पहले जो मंदिर बना था ना, जो सोमनाथ का मंदिर बना था वो लकड़ी और ईंटों का बना होता, वो किसका बना होता, लकड़ी और ईंटों का, लकड़ी व ईंटों का बना होता सोमनाथ मंदिर। यानी पहले जो बना होता, पहले जो सोमनाथ मंदिर बना होता वो लकड़ी और ईंटों का बना होता, ठीक है। बाद में इसको मंदिर को क्या करा, जीर्णोद्धार कराया, वापस बनाया किसने, भीम प्रथम ने। और इसको किसका बना दिया, पत्थर से बनवाया, ठीक है। पत्थर का उपयोग किया गया यहाँ पर बाद में सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। कुछ ग्रंथों में ये लिखा हुआ है सोमनाथ मंदिर, ठीक है, कुछ ग्रंथों में ये लिखा है कि इसका जो जीर्णोद्धार कराया ना वो कुमारपाल ने करवाया है। तो आप ये मान सकते हो कि नेचुरल है कि उसका शासन चल रहा है, अपन ने देखा कि उसने युद्ध जो किया है 1025 में किया है, ठीक है, 1025 में किया है। तो अपन समझते हैं कि उसका शासन का 1064 तक रहा, तो नेचुरल है वो करवाएगा कराएगा, ऐसा तो होगा नहीं कि बेवकूफ की वो इसका मंदिर का निर्माण नहीं कराएगा। हिंदू शासक था, राजपूत था, तो नेचुरल है ये करवाएगा करवाएगा। पर हो सकता है कि कुमारपाल ने भी उसमें कुछ काम किया होगा। तो आप दोनों को याद रखें कि कुमारपाल ने भी कुछ इसमें सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, और मतलब भीम प्रथम ने भी इसका निर्माण करवाया, जीर्णोद्धार करवाया, ठीक है। आगे समझ में आपको, भीमदेव का एक सामंत था, भीमदेव प्रथम का क्या था, सामंत था, सामंत कह सकते अपन उसके अधीन होना। उसका नाम था विमल शाह, ठीक है, विमल शाह था सामंत। उसने क्या करा था, उसने दिलवाड़ा का जैन मंदिर बनवाया था, ठीक है। दिलवाड़ा का जैन, जो 5 मंदिर थे उनमें से एक मंदिर इसने बनाया था। दिलवाड़ा का जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, वो विमल शाह ने करवाया था। नेमिनाथ का मंदिर, जो प्रथम नेमिनाथ नाम का नाथ का मंदिर है, यानी प्रथम दिलवाड़ा, प्रथम का मतलब वो 5 मंदिर बने हुए थे, तो प्रथम मंदिर का जो निर्माण कराया था वो विमल शाह ने करवाया था। तो ये भी इसमें मिलता है, भीम प्रथम का सामंत कौन था, विमल शाह, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। आगे समझ में, देखो इसकी ट्रिक बनाते हैं अपन, ट्रिक से याद करें तो, अगर ट्रिक बनाए तो इस तरह से बना सकते हैं, जो गुजरात का पहला व्यक्ति, मूल व्यक्ति आएगा, गुजरात का जो पहला व्यक्ति आएगा मूल व्यक्ति आएगा, ठीक है। मूल व्यक्ति होगा तो इस नेचुरल है वो क्या होगा, पहला संस्थापक आएगा। तो पहला व्यक्ति आएगा तो वो क्या आएगा, ठीक है ना, पहला संस्थापक होगा। और जिसे इसमें बताया मैंने, जैसे अग्नि से उत्पन्न हुआ तो ए से अग्नि और ए से अनहिलवाड़, ठीक है, राजधानी बनाई उसने। और जो मूल व्यक्ति राजधानी बनाई तो उसे वो क्या आएगा, पहला व्यक्ति आएगा तो वो क्या होगा, शिव बनाकर आएगा अपने, ठीक है ना। तो इस तरह से अपन ट्रिक बना सकते हैं इसके, इस तरह से याद रखते हैं। और भीम प्रथम का किस तरह से बना सकते हैं, भीम प्रथम का अपन बता सकते, जो भीम आया तो भीम प्रथम आया, और देखो भीम प्रथम इतना शक्तिशाली था, शक्तिशाली होने के बाद भी क्या हो गया, गजब हो गया, गजब हो गया, वो हार गया किससे, महमूद गजनवी से, गजब हो गया वो हार गया। भीम प्रथम शक्तिशाली होने के बाद भी, भीम होने के बाद भी गजब हो गया और महमूद गजनवी से हार गया, और वो भी कब हारा, सोमवार को हारा, ठीक है, कब हारा, सोमवार को हारा, ठीक है ना। सोमवार को हारा तो उसने क्या करा कि मतलब सोमवार, मतलब सोमनाथ मंदिर को इसने तहस नहस कर दिया, लूटा, तो उसका क्या कर दिया उसने, वापस भीम प्रथम ने क्या करा, उसका जीर्णोद्धार करवा दिया वापस, ठीक है ना। आगे समझ में,
शासक था, जो नेक्स्ट शासक था वो था जय सिंह सिद्धार्थ। चलिए थर्ड नंबर का था जय सिंह सिद्धार्थ, ठीक है। तो जय सिंह सिद्धार्थ था, अगर इसका अपन ईसवी देखे तो वो था 1094 से 1153, ठीक है। देखो इसने क्या करा था, परमारों का जो शासक था, परमार वंश का जो शासक था, परमार वंश का जो शासक था उसका नाम था यशवर्धन। उसका नाम क्या था, यशवर्धन, ठीक है, यशवर्धन था। उसको इसने क्या करा था, हराया था, ठीक है। किसने, जय सिंह ने क्या करा था, हराया था, हरा दिया मतलब इसको। और इसके साथ साथ इसने जो सिंध सिंध जो जगह है पंजाब में, ठीक है, सिंध जगह को पर भी किसने क्या करा, विजय प्राप्त करी, ठीक है, विजय प्राप्त करी। देखो परमार वंश को हराया था और सिंध राज्य पर भी क्या करा, इसने विजय प्राप्त कर ली। यानी परमार वंश को हराने के बाद उसको एक उपाधि मिली, ठीक है, उपाधि मिली वो क्या मिली, अवंतीनाथ की, ठीक है। किसकी मिली उपाधि, अवंतीनाथ की। क्यों मिली अवंतीनाथ की, क्योंकि जो मध्य प्रदेश में है उज्जैन, उसी को अवंती बोलते हैं, उस समय बोलते थे अवंती, तो अवंतीनाथ यानी वहां पर विजय प्राप्त करी उन्होंने, तो इसको क्या बोला, उपाधि क्या मिल गई, अवंतीनाथ की, ठीक है। तो ये इसने काम किया। और देखो इसमें इसका ये बताया गया है कि ये मत तो इसका जय सिंह का मत तो शिव धर्म पर ही था, मत मतलब कह सकते अपन मतायु था, मतलब उसको मानता था, शिव धर्म को ही मानता था, पर इसके साथ साथ वो जैन धर्म का को भी संरक्षण देता था। जैन धर्म के जो गुरु होते थे उनको क्या करता था, वो संरक्षण देता था, अपने यहाँ पर अतिथि के तौर पर रखता था। यानी लगभग ये मान सकते हो जैन धर्म को भी वो मानता था, उनका भी एक आदर करता था, ठीक है ना। तो आदर करता था, उस काल में जैन धर्म के एक अपन कह सकते हैं गुरु थे, मतलब दरबारी कवि कह सकते हैं, गुरु कह सकते हैं, हेमचंद सूरी थे। तो उसके काल में अगर थे तो वो हेमचंद सूरी थे, ठीक है, दरबारी कवि। अब देखो इसने जैन धर्म को भी संरक्षण दे दिया, अब क्या काम करेगा, ये मंदिर बनाएगा, ठीक है। तो मंदिर जो इसका फेमस है वो देख लेते हैं अपन, सिद्धपुर का प्रसिद्ध मंदिर है, सिद्धपुर का। देखो सिद्धार्थ है नाम, तो देखो सिद्धि शब्द आ रहा है, ठीक है। सिद्धपुर का प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है, प्रसिद्ध मंदिर, ठीक है ना, प्रसिद्ध मंदिर है रुद्र महाकाल का प्रसिद्ध मंदिर किसने क्या करा, बनवाया है, ठीक है ना। रुद्र महाकाल का प्रसिद्ध मंदिर किसने बनवाया है, वो बनवाया अपना जय सिंह सिद्धराज ने, ठीक है। जय सिंह सिद्धराज ने ये प्रसिद्ध मंदिर बनाया रुद्र महाकाल का। एक और काम इसने अच्छा किया था आबू पर्वत पर इसने एक मंडल का निर्माण किया है, ठीक है, मंडल का निर्माण किया। इस मंडल में क्या मिलता है, इस मंडल में इनके सातों पूर्वज, जो सात पूर्वज है, ठीक है, सात पूर्वज है, इनकी गजारोही मूर्तियां बनवाई थी, मतलब जो देखना वाली अच्छी मूर्तियां थी, यानी आज फेमस ही है, गजारोही मूर्तियां बनवाई थी इसने, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, आबू पर्वत पर उसने एक मंडल का निर्माण किया, ठीक है, और यहाँ उनके जो सात पूर्वज है उनकी गजारोही मूर्तियां बनाई थी, ठीक है, गजारोही मूर्तियां बनाई थी। इसकी हस्तशिल्प कला बहुत अच्छी है, तो बहुत जने इसको देखने भी आते हैं, ठीक है ना। देखो अब जो नेक्स्ट शासक आएगा वो आएगा कुमारपाल, जो चौथा शासक है वो है कुमारपाल, ठीक है। जो जय सिंह सिद्धार्थ है उसकी कोई संतान नहीं थी, पर वहां के जो लोगों ने जो इनका मतलब जो कुमारपाल का जो शासक देखा, मतलब जो सेनापति था, तो उसका वर्क देखा तो बहुत अच्छा था, इसलिए शासक इसको बनाया।
यानी ये जो आए थे वो 1153 से 1171 तक, 1153 से 1171 के शासन आए थे। इसने तीन बहुत अच्छे काम करे थे, बड़ा बलवान शासक था, ठीक है। तीन काम करे थे, तीन युद्ध जीते थे इसने। किस किस को हराया था ये उल्लेख मिलता है, किस किस को हराया था इन्होंने? अर्णोराज चौहान, अर्णोराज चौहान जो अजमेर के शासक है, ठीक है, अर्णोराज चौहान, ठीक है, इसको हराया था। और विक्रम सिंह को हराया था, ठीक है, विक्रम सिंह को हराया था, परमार का शासक था ये विक्रम सिंह। और एक और बल्लाल को हराया था, ठीक है, ये मालवा का शासक था बल्लाल। तो इन तीनों को उसने हराया था, परास्त किया था। तो यानी आप देख सकते हो कुमार पाल भी कम नहीं था, जैसे जय सिंह सिद्धार्थ था, और जैसे इससे पहले भीम प्रथम था। तीनों बलवान शासक थे कुमार पाल, ठीक है ना। तो इसने तीनों का, और इसके साथ साथ एक और काम किया था, उस दरबारी कवि थे हेम सिंह, ठीक है, हेम सिंह से इसने क्या करा था, शिक्षा ली थी, ठीक है, जैन जैन से दीक्षित करा था इन्होंने। हेम सिंह ने इनको कुमार पाल को क्या करा, जैन धर्म से क्या करा था, दीक्षित करा था, यानी जैन धर्म की इनको क्या दी थी, शिक्षा दी थी, ठीक है ना। और इनको जो एक उपाधि उपाधि दी थी, वो उपाधि क्या थी, परम अहंत, परम अहंत, ठीक है ना, ये इनको उपाधि दी थी। ध्यान रखना ये क्या है, उपाधि है। किसको दी थी, कुमार पाल को, ठीक है, उपाधि जो दी थी कुमार पाल को दी थी, ठीक है ना। नेचुरल जैन धर्म अपनाने के बाद वो क्या चलेगा, अहिंसा के रास्ते पर चलेगा, यानी इसने अहिंसा के रास्ते पर चला और कुछ नियम बनाए, यानी पशु की हत्या न करना, ठीक है ना, धूम्रपान नहीं करना, मदपान नहीं करना, ऐसे इन्होंने प्रतिबंध लगा दिए थे उनके काल के अंदर। उन्होंने क्या करा, जैन धर्म की जो शिक्षा ली थी उन्होंने, तो उसमें इसने अहिंसा वगैरह, जो पशु को मारना करना, ये सब बंद कर दिए थे। जो पहले जो चढ़ती थी बलि वगैरह चढ़ती थी वो सब बंद हो गई थी, धूम्रपान और मदपान करना भी बंद हो चुका था, ठीक है ना। तो ये तीनों पर प्रतिबंध लगा दिया था इन्होंने, ठीक है। अब देखो इसके बाद जो कुमार पाल के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन होगा, अजय पाल, ठीक है। अजय पाल के समय में कह सकते ये 11 ज्यादा समय तक नहीं रहा था, 1172 से 76 के समय में तक रहा था, ठीक है ना। इसके काल में जो शैव धर्म है और जैन धर्म है, शैव धर्म और जैन धर्म में क्या हो गया, गृह युद्ध हो स्टार्ट हो गया, ठीक है, क्या हो गया, गृह युद्ध स्टार्ट हो गया। यानी आप समझ सकते हो गृह युद्ध स्टार्ट होने पर, गृह युद्ध स्टार्ट होने पर कुछ ना कुछ होगा। तो अजय पाल को उसके नौकर ने, देखो सबसे बड़ा, देखो कितना कमजोर शासक बन सकते, उसके नौकर ने चाकू से हत्या कर दी, ठीक है ना। तो देखो इसके तक कमजोर शासक था ये अजय पाल, तो इसलिए कुछ ही समय तक था ये, और इसके काल में देखो ये संभाल भी नहीं पाया, शैव धर्म और जैन धर्म जो थे उसमें गृह युद्ध भी हो गया था, ठीक है। इसके बाद शासक जो बना था भीम सिंह द्वितीय बना था, वैसे तो मूल आदित्य बना था, वो अस्थायी रूप से बना था क्योंकि उसकी हत्या कर दी थी कुमार पाल की, सॉरी अजय पाल की, अजय पाल की हत्या कर दी थी, इसलिए कुछ अस्थायी रूप से मूल आदित्य बना था, पर कुछ ही समय के था। फिर उसके बाद जो बलवान शासक था वो कौन था, भीम सिंह द्वितीय, ठीक है, भीम द्वितीय, ठीक है, ये शासक था। इसने क्या क्या काम करा, मतलब अपन कह सकते हैं जो चालुक्य वंश है, चालुक्य और सोलंकी वंश है, उसका अंतिम शासक था ये, चालुक्य वंश का अंतिम शासक था, ठीक है। और उस समय इसकी जो शक्ति थी वो परम सीमा पर, वापस उसने अपनी शक्ति परम सीमा पर फैला दी, यानी अपना जो राज्य है वापस उसने बहुत फैला दिया भीम द्वितीय ने। यानी इसने जो दो युद्ध करे थे, ठीक है, दो युद्ध करे थे, एक तो मोहम्मद गोरी से,
मोहम्मद गोरी से और कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक दोनों से इसने विजय हासिल करी थी। दोनों को हराया था इसने, दोनों से विजय हासिल करी थी। लेकिन कुछ समय बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने वापस लड़ाई लड़ी और वो जीत गया था, ठीक है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक वापस लड़ाई लड़ी और कुछ समय बाद उसने मतलब जीत गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक भीमदित्य से, यानी भीमदित्य को हरा दिया था। पर पहली बार विजय में तो इसको क्या है, उन्होंने दोनों को हराया था, मोहम्मद गोरी और कुतुबुद्दीन ऐबक दोनों को हराया था भीमदित्य ने, ठीक है ना। यानी अगर अपन सन देखें तो 1178 और 1195, 1178 और 1195 में इनको हराया था दोनों को, ठीक है ना। और फिर इसने बाद में वापस आक्रमण किया और अहिनवाड़, जो अहिनवाड़ वार था उसको छीन लिया कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने तीसरी बार वापस मतलब दूसरी बार वापस युद्ध किया, ठीक है, युद्ध किया और क्या किया, अहिनवाड़, अनहिलवाड़ को क्या करा, भीमदित्य से छीन लिया, ठीक है। इसने क्या करा, छीन लिया कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरी बार युद्ध करके, दूसरे युद्ध में, ठीक है। पहले युद्ध में तो वो खुद हार गया था, पर वापस अपनी शक्ति बढ़ाई उसने और इससे युद्ध किया था। 1201 ईस्वी में वापस भीमदित्य के हाथ में आ गया था, ठीक है, साम्राज्य वापस प्राप्त कर लिया था भीमदित्य ने, ठीक है। गुजरात का साम्राज्य वापस पुनः अपने पास आ गया था, उसके पास आ गया था, पुनः उसके पास आ गया था, ठीक है, आ गया। यानी ये अंतिम शासक था चालुक्य वंश का, तो इसमें यही मिलता है इनका भीमदित्य का। इसके काल में दो मंत्री थे जो फेमस थे, वस्तुपाल और देवपाल, सॉरी तेजपाल, वस्तुपाल और तेजपाल दो मंत्री थे फेमस। बस इतना ही मिलता है इसके भीमदित्य के बारे में। तो ये अपना चालुक्य वंश समाप्त हो गया है, ठीक है ना। इसके बाद अपन नया वंश लेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, दोस्तों को जरूर बताएं, अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब करें।